How are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. आज इस शॉर्ट वीडियो में हम क्लास टेंथ की बुक सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे. आपको इस वीडियो में ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया जाएगा. ठीक है, शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. मिसेज पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान हैं? आंसर देखेंगे. ट्रिकी हैज़ बिकम ह्यूजली फैट. ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है. इट लुक्स वेरी ऑड. ये बहुत भद्दा सा दिखता है. इट्स आइज आर ब्लड रेड. इसकी आँखें खून जैसी लाल हैं. इट्स टंग लॉल्स डाउन इट्स जॉज. और इसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटकी रहती है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज शी वाइज इन दिस. वह उसकी सहायता करने के लिए क्या करती है? क्या ये बुद्धितापूर्ण है? आंसर देखेंगे. शी एट वंस कॉल्स डॉक्टर हैरियट टू हिम. वह तुरंत डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है, उन्हें बुलाती है. शी इज़ वाइज इन दिस बिकॉज नो वन नोज अबाउट एनिमल्स एक्सेप्ट द वेटनरी डॉक्टर. वह इस काम में बहुत ही बुद्धिमान है क्योंकि पशु चिकित्सक के अलावा पशुओं के बारे में कोई और नहीं जान सकता. हु इज द आई इन द स्टोरी. कहानी में आई कौन है इन दिस स्टोरी. सो आई इन दिस स्टोरी इज मिस्टर जेम्स हैरियट द वेटनरी सर्जन. इस कहानी में जो आई हैं या कहानी के नरेटर जिन्हें कहना चाहिए, वो हैं एक पशु शल्य चिकित्सक. इनका नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट. अगला क्वेश्चन देखेंगे. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. क्या लेखक इतना धनी है जितना कि ट्रिकी की मालकिन. नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. कहानी का जो नरेटर है, सूत्रधार है, वो इतना धनी नहीं जितना कि ट्रिकी की मालकिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. वो कुत्ते से कैसा व्यवहार करता है. ही टेक्स द डॉग ट्रिकी टू हिज सर्जरी. वह उस कुत्ते को जिसका नाम ट्रिकी है अपने शल्य चिकित्सालय ले जाता है. देयर ही डज नॉट गिव मच फूड टू हिट. वहाँ वह उसके लिए बहुत अधिक खाना नहीं देता. ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन. लेकिन वो उसे अपनी निगरानी में रखता है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. वाई इज द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट. डॉक्टर ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट या स्थायी मेहमान बनाने का लालच क्यों करता है? आंसर देखेंगे. द डॉक्टर इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट एज दैट वे दे वुड गेट एग्स वाइन ईटीसी. डॉक्टर ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने का लालच इसलिए करता है कि इस तरह से वे और उसके साथी अंडे और शराब पा सक रहे थे. दीज वर सप्लाइड बाई मिसिज पम्फ्रे नॉट फॉर देम बट फॉर ट्रिकी. क्योंकि ये चीज़ें मिसिज पम्फ्री अपने डॉग ट्रिकी के लिए भेज रही थी, ना कि उनके लिए. लास्ट क्वेश्चन है. वाई डज मिसिज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. मिसिज पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि कुत्ते का ठीक होना एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, शल्य चिकित्सा का एक चमत्कार है. मिसिज पम्फ्रे थिंक्स सो एज इट इज़ द सर्जन हु हैज़ मेड ट्रिकी ऑल राइट. मिसिज पम्फ्री को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि सर्जरी से ही ये कमाल संभव हो पाया. इट्स स्टे एट द हॉस्पिटल हैज़ क्योर्ड हिम ऑफ इट्स इलनेस. क्योंकि हॉस्पिटल में रुकने से ही वह अपनी बीमारी से सही हुआ. सो डियर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.